بسم الله الرحمن الرحيم डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आज हम बात करेंगे गूगल क्लासरूम uh, पर कि किस तरह से स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट किस तरह से इस पे काम uh, कर सकते हैं और बेसिकली ये एक फ्री वेब सर्विस है ऑफ कोर्स डेवलप्ड बाय गूगल इट्स परपस इज टू फैसिलिटेट पेपरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड स्ट्रीमलाइन एजुकेशन वर्क फ्लो

लॉग इन करेंगे ठीक है अपना पासवर्ड अब जब आप लॉग इन करते हैं तो आप अपने इनबॉक्स में जाएंगे ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट भी गूगल क्लासरूम में जा सकते हैं लेकिन ये जो आम, वीडियो बनाने का मकसद ये के लिए जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको यूज करने है तो ईजिएस्ट वे ये है कि आप जी के थ्रू उसमें एंटर हो ठीक है जी अब अगर यहाँ पर आप देखें तो अपनी ई आप देखना शुरू करते हैं इनबॉक्स में तो यहाँ पे क्लास इन्विटेशन यहाँ पे आपके किसी टीचर का जो भी कोई आपका इंस्ट्रक्टर या टीचर उसकी तरफ से आपको एक ई आई होगी जिसमें होगा क्लास इन्विटेशन आप इसको अगर ओपन करें आप इस को तो अपने पर है कि ये कोई क्लास जनरेट हुई भी है आपके किसी इंस्ट्रक्टर ने किया है और ज्वाइन का आपके लिए एक यहाँ पे बटन है जिसको आप क्लिक करेंगे और आप गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएंगे ठीक है जी थोड़ा सा साथ साथ चूंकि ये मैं इसी वक्त ओपन कर रही हूँ तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ठीक है जी ये आप गूगल क्लासरूम में पहुंच गए अब यहाँ पे आप सारे काम कर सकते हैं अपना क्लास वर्क को देख सकते हैं लोग हैं आपका टीचर कौन है उसको देख सकते हैं स्ट्रीम में आपके सारे के सारे जो भी आपके टीचर ने यहाँ पर असाइनमेंट से जो भी चीजें पोस्ट की हैं वो मौजूद हैं लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको इसी जगह पे छोड़ देंगे जस्ट ये हो गया कि आपने इस क्लास को या गूगल क्लास में जो भी आपकी क्लास जिस टीचर ने आपको इन्विटेशन भेजा था आपने उसकी क्लास को ज्वाइन कर लिया अब इसको आप यहीं पर छोड़ दें और दोबारा जी पे जाए पर इनबॉक्स में अगेन आपको देखना जो न्यू असाइनमेंट जब भी टीचर को कोई असाइनमेंट कोई अनाउंसमेंट क्विज या कोई भी चीज जब उसके ऊपर पोस्ट करेगा गूगल क्लासरूम में उसको रखेगा आपके साथ शेयर करेगा तो आपको एक ईमेल आएगी तो ईजस्ट वे उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज करना है उनके लिए ये है कि वो हमेशा आ, अपने जी इनबॉक्स से जो भी ईमेल आए उसके थ्रू गूगल क्लासरूम में उससे एडवांटेज आपको ये होगा कि आप कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे अगर आप यूज टू नहीं है गूगल क्लासरूम के तो हो सकता है कि कोई भी ऐसे असाइनमेंट या कोई ऐसा क्वेस्ट जो आप यहाँ से आगे सर्च करना शुरू करें तो उसको मिस कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपनी जी से आते हैं या उसमें तमाम उन मैसेजेस को खोलते हैं जो आपको आ, आपको अपने

जी जी आपके पास असाइनमेंट आ गई कि ये आपके टीचर ने कि, किस डेट को रखी है उसके पॉइंट्स कितने हैं ये अगर आप ऊपर देखें तो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये आपकी असाइनमेंट आ गई ठीक है यहाँ पे एक मैंने टेस्ट के लिए क्वेश्चन का किया था कि आप टीचर से अगर आपको असाइनमेंट समझ नहीं आई है तो यहाँ पे आप प्राइवेट कमेंट भी कर सकते हैं टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्लास में भी कर सकते हैं ताकि बाकी कोई पता चले कि अगर कोई जवाब आता है या क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है उससे बाकी लोगों को भी समझने में आसानी होती है ठीक है ये हो गया असाइनमेंट के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप असाइनमेंट में आ गए हैं तो यहीं पे अगर आप अपने राइट साइड पर देखते हैं तो आपको नजर आता है एड और क्रिएट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहां पे या तो अगर आप इस असाइनमेंट को बनाने के बाद अपनी कोई अलग से आप फाइल बना लेते हैं तो यहाँ पे उसके एक ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको अपलोड कर दें ठीक है दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने किसी और जगह पे बना के रखा है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं या गूगल ड्राइव में जाके आप ले सकते हैं और इसके अलावा आपने अगर कोई गूगल डॉक्स में जाके आप उसको बना सकते हैं स्लैड्स में बना सकते हैं मतलब आप चाहें तो अपनी असाइनमेंट पे काम गूगल के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप अपनी असाइनमेंट अपने किसी पेपर पे बनाएं अगर आपको गूगल डॉक्स पे या ऑनलाइन काम करना नहीं आता उसके बाद आप उसका अपने सेल फोन से एक उसकी पिक्चर ले सकते हैं और बाद में आप उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं लेट्स में कहते हैं कि फाइल को अपलोड अगर करें यहाँ से मैं कोई फाइल उठा लेती हूँ अपने डेस्कटॉप से और फिर मैं इसको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे एंटर करना है ठीक है जी ये ये एक फिकर है ये मैंने इसके साथ अटैच करती हूँ ओके okay जी अपलोड अगर आपके प, आपने एक से ज्यादा बनाई तो ऐड मोर फाइल्स का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है मैंने फिलहाल एक फाइल सिलेक्ट की है और उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया ठीक है अब ये आपका अगर तो यही आपकी असाइनमेंट का यही आंसर था जो फाइल आपने बनाई है तो आप इसको यहाँ से टर्न इन कर देंगे कन्फर्म करेगा आप उसको कन्फर्म कर देंगे अब जो आपकी असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुकी है अपलोड करके आपने इसको नहीं छोड़ देना आपने इसको टर्न इन करना है ताकि इसका ये मतलब है कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो ये हो गया आपका असाइनमेंट से रिलेटेड पहला काम ठीक है इसी तरह से जब आप देखेंगे जब भी कोई नई असाइनमेंट आपको आएगी टीचर जैसी असाइनमेंट वहां पे अपलोड करेगा आपको एक ईमेल आएगी आप ईमेल ओपन करेंगे अपना इनबॉक्स से वहां पे जाएंगे और असाइनमेंट पे जाके उसको आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी असाइनमेंट में पहुंच जाएंगे ठीक है जी ये हो गया असाइनमेंट रिलेटेड इसी तरह से अगर टीचर कोई नया मटीरियल रखता है ठीक है जैसे यहाँ पे मैंने कोर्स आउटलाइन uh, के नाम से एक मटीरियल एड किया है

वो मिल जाएगा आप उसको इजीली से देख सकते हैं ठीक है जी इस पे कोई आप कमेंट करना चाहते हैं आपको कोई बात समझ नहीं आए कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजीली उसको कमेंट करेंगे आपका कमेंट राइट अवे आपके टीचर को एज एन ईमेल चला जाएगा तो ये भी एक अच्छी है कि आप एक तरह से डायरेक्ट अपने टीचर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है जी अब आ, अगर आप देखिए कि नेक्स्ट क्या नेक्स जो इम्पोर्टेंट चीज दैट इज क्विज कि आपके जो क्विजे हैं वो भी गूगल क्लासरूम पर आपके क्विजेस भी लिए जा सकते हैं उसके लिए भी इसी तरह से आपको जैसे असाइनमेंट या किसी भी कोई को मेल आएगी आपको क्विज की मेल आ जाएगी जिसमें आप इसको अब क्विज को ओपन करेंगे तो आप पहले गूगल क्लासरूम में जाएंगे उसके बाद तो आपको डायरेक्ट क्विज पर ले जाएगा ठीक है ये थोड़ा सा आ, इसको आप अगर करें ये आपका क्विज है आप इस पे को क्लिक करेंगे आप अपने आ गए ठीक है है क्या आपका मल्टीपल um, uh, चॉइस अभी मैंने बनाया और इसके अलावा कोई uh, क्वेश्चन को है, तो ये आप, uh, कोई है आपने, pause, इसका कोई आंसर uh, है आपको मुझे लगता है कि ये वाला राइट है मैंने इसको क्लिक कर दिया इसी तरह से दूसरा ये है कि बैलून पे चार्ज कितना दोनों बैलून सेम है एक तरह से कि किसी एक पे आपने बताना है कि कौन सा है ठीक है तो उसमें मुझे ही लगता है कि यहाँ पे ये यह इसका जो आंसर है दैट शुड बी माइनस थ्री मैंने इसको क्लिक कर दिया और अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे इस टस्ट को ये जो क्विज uh, को मैंने अब सबमिट कर दिया ठीक है इसका दूसरा है कि आप अपना स्कोर अगर तो टीचर आपको अलाउ कि आप राइट अभी अपना स्कोर देख चाहते हैं देखने के लिए कि आप जैसे व्यू करेंगे तो आपको अपना स्कोर दिखेगा कि आपके कितने पॉइंट्स हैं ठीक है जी दो क्विज था क्योंकि दो एमसी क्यूज थे इसमें और आपने दो ऑप्शन को क्लिक किया जो कि करेक्ट थी और इस तरह से आपके टोटल पॉइंट्स टू बाई टू आपको नजर आ जाते हैं ठीक है जी तो ये हो गया आपका गूगल क्लासरूम जिसमें कोई भी असाइनमेंट जो भी चीजें आपको मिलेंगी उनके साथ आप किस तरह से काम कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्लास में शामिल होना चाहते हैं चाहते हैं कि मैं आपको किस चीज में शामिल करूं और आप इस चीजों को क्लासेस शुरू होने से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपना ई मेल आई डी जो उनसे यूनिवर्सिटी की ई मेल आई डी है वो आप मुझे सेंड करेंगे और मैं आपको उस जो टेस्ट क्लास है उसमें शामिल कर दूंगी और उसमें से आप फिर उसको प्रैक्टिस मेरे साथ इस चीज को कर सकते हैं दूसरी बात यह कि अगर आप उसी के थ्रू आना चाहते हैं अगर आप इसको आपने पहले भी काम किया हो तो आपके पास ये स्ट्रीम है यहाँ पे वो सारे काम मौजूद हैं कि मैंने अभी असाइनमेंट नंबर भी मौजूद है इसको आप क्लिक करेंगे वो खुल जाएगी इसी तरह से आपके पास कोर्स uh, आउटलाइन था और एक क्विज था ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है आप यहाँ से कर सकते हैं वहां से जी से आने का मकसद सिंपल ये है कि आपको चूंकि जो भी चीज होगी उसकी ई आएगी आप कोई इंपॉर्टेंट काम उस तरह से मिस नहीं करेंगे ठीक है इस तरह से क्लास वर्क आ जाता है कि आप अपना देख सकते हैं कि आपने क्या काम किया है कौन कौन सा आपने दिया है कौन, कौन चीजें आप देख चुके हैं का मैंने आपको बता दिया कि जैसे ओपन आप करेंगे आपके पास कमेंट का ये जो मौजूद है ये वाली चीज यहाँ से आप जो कोई क्वेश्चन जो कोई आपको प्रॉब्लम हो आप उसको पूछ सकते हैं ठीक है जी आई होप कि ये इट विल वर्क फॉर यू कि ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा लेकिन ऑफ uh, कोर्स आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक इजी uh, काम है जिस तरह से जिसको आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं और अगेन अगर आप चाहते हैं मैं आपको अपनी प्रैक्टिस क्लास में शामिल करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना ई एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज